अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि यार तुम्हारा फेवरेट इवोल्यूशन कौन सा है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे मेगा, डायनामिक्स, जीमू, लेकिन सबसे ज्यादा जो आंसर आएंगे ना वो होगा बोंड इवोल्यूशन। तो तुमने कभी सोचा है बोंड इवोल्यूशन इतना फेमस कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब यार इसका क्या रूप है, अब हमको ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, सारी बातें बताएगा मैं। सब्सक्राइब कर दो, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यार, बोंड इवोल्यूशन जो है काफी खतरनाक चीज है। ये एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ एस के जन्म कर पाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में एस के जन्म कर पाता है, वरना पास्ट में एक बंदा था जो कि कर पाता था। अब यार वो बंदा कौन है, क्या वो एस का एंसेस्टर है या फिर एस के जन्म से कैसे कनेक्टेड है, हमको नहीं पता। लेकिन हाँ, अभी के लिए एस के जन्म इसको अचीव कर पाया है। लेकिन क्या तुम्हें पता है एस का पहला बोंड इवोल्यूशन जो पोकेमोन है टेक्निकली ग्रीनजा नहीं है, वो यार एस का पहला वाटर टाइप पोकेमोन स्क्वाइटल है। जानना चाहते हो तो देखो, बात कुछ ऐसी है। तुमने पोकेमोन इंडिगो लीग ओजी सीरीज तुमने देखी होगी, जब एस किस्म गया था आखिरी इंडिगो लीग का बेज, अर्थ बेज कलेक्ट करने के लिए जियोवानी की जिम में। वहां पे टीम रॉकेट आ गए थे। टीम रॉकेट ने यार कुछ ऐसे मैकेनिक का यूज किया था कि यार अगर जितना पोकेमोन को दर्द होगा उतने ही ट्रेनर को दर्द होगा, और ये मेन कॉन्सेप्ट है बोंड इवोल्यूशन का। और यार मतलब पोकेमोन वालों ने इसी से इंस्पायर होकर बोंड इवोल्यूशन को क्रिएट किया था, बनाया था, जो कि अच्छी बात है। और यार मजे की बात यहाँ पे ये है कि उस टाइम जियोवानी की जिम में एस के सामने जो पहला पोकेमोन यूज किया था वो स्क्वाइटली था। तो ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। तो टेक्निकली बोंड इवोल्यूशन का असली हकदार जो है स्क्वाइटल है। लेकिन भाई साहब तो यार दुनियादारी में व्यस्त है, पॉपुलर हो चुके हैं, सेलिब्रिटी बन चुके हैं, तो हाँ ग्रीनजा ही बचा है। लेकिन ग्रीनजा भी नौकरी कर रहा है, मतलब देख रहे हो ना, एस का स्क्वाइटल बन चुका है सेलिब्रिटी, और एस का ग्रीनजा बन चुका है नौकर। कोई नहीं जानता जायग्रेड क्या कराता है उससे, मतलब झाड़ू पोछे कराता है, बता रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं। अब हम लोग देखते हैं बोंड इवोल्यूशन के बारे में कि भाई यार हमको जर्नी सीरीज में हमको यार बोंड इवोल्यूशन देखने को क्यों नहीं मिला। जब ये हमको दिखाया गया था उस टाइम हमको ये देखने को ही क्यों नहीं मिला, तो इसकी यार मेनली वजह ये है कि पोकेमोन वाले इसको शायद तक दिखाना नहीं चाहते होंगे। बिकॉज हमें पता होगा बोंड इवोल्यूशन जो है ना, जो उसके ट्रेनर की आउटफिट होती है उससे सिमिलर होती है, मतलब जैसी आउटफिट वैसा बोंड इवोल्यूशन। जैसे कि केलोस में आउटफिट में उसकी केप जो है रेड कलर की होती है, तो यार बोंड ग्रीनजा के ऊपर उसके सिर पे रेड डायमंड जैसा कुछ आ जाता है और पूरा चेंज हो जाता है। तो शायद तक यार उनके पास डिजाइन अवेलेबल नहीं होगी, ये मेरी प्रिडिक्शन है, दैट्स व्हाई उन्होंने ऐसा किया है। वरना अगर बोंड इवोल्यूशन को शो कर देते तो पोकेमोन फैंस खुश हो जाते, बिकॉज पोकेमोन फैंस की यही इच्छा थी यार ग्रीनजा को देखना बोंड इवोल्यूशन में, वो तो पूरी नहीं हो पाई है। अब पोकेमोन के एपिसोड्स बचे हैं, लास्ट के 2 एपिसोड, अब उनमें क्या होगा, बोंड ग्रीनजा आएगा नहीं आएगा, हमको आइडिया तक नहीं है। बिकॉज यार बिल्कुल लीक्स नहीं आ रहे हैं, रूमर्स नहीं आ रहे हैं ग्रीनजा के साथ करना क्या चाहते हैं, वो मुझे आइडिया नहीं मिल रहा है। तो यार होप करते हैं कि वापस आ जाए। लेकिन पोकेमोन ख़त्म हो रहा है तो एक बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि यार पोकेमोन ने जिस फैक्टर ने मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किया वो था बोंड इवोल्यूशन। और बोंड इवोल्यूशन के बारे में मुझे तुमसे बात करनी थी, डैश आई मैंने वीडियो जिसने मुझे सबसे ज़्यादा यार पोकेमोन से कनेक्टेड रखा, पहला था जीएस बॉल एंड सेकंड था बोंड ग्रीनजा। मतलब यार अजीब सी फीलिंग आती थी उस टाइम, मतलब यही क्या चीज़ है, इसके बारे में वो जानने के लिए मैं एक्साइटेड था। और शायद तक तुम्हें भी यही फीलिंग आती होगी, मतलब जो मुझे लगा तुम्हें कैसा लगा बताओ मुझे। बोगी इसका आंसर दो एंड बाय बाय।